साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि मिल्क फीवर क्या होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं और क्या इलाज इसका होता है। देखिए, मिल्क फीवर जिसे हम हिंदी में दुग्ध ज्वर बोलते हैं, ये बीमारी अक्सर बच्चा देने के तुरंत बाद होती है, यानी कि 2-4 दिन के भीतर भीतर ये हो जाती है। मेनली ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसका जो प्रमुख कारण है वो ब्लड में कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी क्यों होती है? क्योंकि एकदम से हम अगर पशु का दूध निकाल लेते हैं, बच्चा देने के बाद जो खीस होता है पहला दूध, उसे अगर एकदम से एक साथ निकाल दिया जाता है तो परेशानी होती है। जो पशुपालक भाई खीस को धीरे धीरे टुकड़ों में बांट के 3 या 4 बार में निकालते हैं तब समस्या कम होती है। हालांकि हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के पीछे कारण सिर्फ एक दूध निकालना ही नहीं होता। अगर ब्लड में पहले से ही मान लीजिए कैल्शियम की कमी है, इधर से बच्चा निकला है, इस समय पशु स्ट्रेस में आया है और कैल्शियम का लेवल डाउन है, तो मिल्क फीवर हो जाता है। तो बच्चा देने के तुरंत बाद भी मिल्क फीवर हो जाता है। इस बीमारी में मेनली कैल्शियम की कमी की वजह से पशु नीचे गिर जाता है और जो ही कैल्शियम चढ़ाया जाता है पशु में एकदम से करंट सा लगता है और बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाता है। मार्केट में कैल्शियम की बोतलें मिलती है, हमने भी माइफेक्स बोतल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, पूरा उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा। मेनली यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था हमारा कि मिल्क फीवर को हम कैसे पहचानें। देखिए, जब भी किसी गाय भैंस को मिल्क फीवर होगा, हम अगर उसके पास जाते हैं तो पहले हमें ये देखना होता है कि कहीं उसके पेट में पानी तो नहीं मोल रहा। देखिए, जैसे विकास भाई हिला रहे हैं, दोनों तरफ से हिला करके देख लेंगे कि कहीं पानी तो नहीं बोल रहा है। अगर पानी बोल रहा है और इस तरीके से भैंस बैठी हुई है तो वहाँ पर कारण एसिडोसिस या एल्कलोसिस का भी हो जाता है। यानी मेनली हम देखेंगे सबसे बड़ा बाहर से देखने वाला लक्षण वो है पोस्चर, यानी इसके बैठने की कंडीशन। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके अगर बैठने की कंडीशन को देखा जाए तो अपनी गर्दन को अपने सर पे डाल करके बैठ जाएगी, खड़ी होने में बिल्कुल असमर्थ रहेगी। अगर मान लीजिए खड़ी होती भी है तो तुरंत गिर जाती है। ये देखिए, नथुने बिल्कुल सूखे नथुने, यहाँ पे देखिए पानी की बूंद तक नहीं है और सांस की जो गति है वो एकदम से धीरे हो जाएगी। यानी धीरे धीरे करके सांस को खींचना, धीरे धीरे करके सांस को छोड़ना, ये लक्षण होता है। इसके अलावा जब कंडीशन गंभीरता की तरफ जाती है तो मुंह में से लार भी गिरने लग जाती है, यानी मुंह में से पानी गिरने लग जाता है। और यहाँ पर अगर तापमान लिया जाए, यानी टेम्परेचर, वो बिल्कुल कम हो जाता है। बीमारी का नाम है दुग्ध ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, लेकिन इसमें बुखार नहीं रहता, इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम तापमान लेंगे तो तापमान हमें कम मिलेगा। और पीछे जो गुदा द्वार आप देख रहे हैं जहाँ पर भाई ने थर्मामीटर लगाया है, ये भी कुछ ढीला नज़र आएगा, पशु गोबर नहीं करेगा और यहाँ से ढीला नज़र आएगा। देखिए, इसका टेम्परेचर 96.7 आया, मतलब कितना टेम्परेचर गिर गया है। अब यहाँ से बिल्कुल नसें एकदम से लूज है और पीछे ऐसा लग रहा है हमें कि जोर पड़ रहा है, मतलब जब बैठेगा पशु तो जोर पड़ेगा पीछे, जबकि गोबर नहीं करेगा। यहाँ पर पेशाब हल्का सा किया जरूर है और पूंछ की जो कंडीशन है वो एकदम से पीछे की तरफ, जब जोर पड़ेगा तो पीछे की तरफ खिसकी हुई रहेगी। बाकी स्किन से हमें कुछ खास पता नहीं लगेगा। बस यही है कि अगर ऐसा पशु कहीं पर भी हम देखते हैं तो तुरंत जा करके पेट को हिला लेंगे, जैसे ये हिलाया है। पेट को हिलाने से क्या पता चलेगा कि अगर एसिडोसिस है, लेफ्ट हैंड साइड से हिलाएंगे तो एसिडोसिस का पता चल जाएगा, राइट हैंड साइड से हिलाएंगे तो एल्कलोसिस का पता चल जाएगा। तो मेनली ये पूरे जो लक्षण हैं वो अगर किसी भी पशुपालक भाई को नज़र आए तो तुरंत हमें समझ लेना है कि इसको मिल्क फीवर हो गया है, यानी कि कैल्शियम की बोतल चढ़वानी पड़ेगी, ये कैल्शियम की बोतल से तुरंत तैयार हो जाएगी। अब देखिए आप रिजल्ट, इसको जो ही कैल्शियम चढ़ाया गया तो कैल्शियम चढ़ाने के बाद मात्र कैल्शियम से ही ये इतनी एकदम से एक्टिव हो गई, बराबर खड़ी हो गई है। खड़ी जो ही होती है उस समय हल्का सा कंपन जरूर होता है, देखिए गोबर भी इसने कर दिया है
और कंपन जरूर होगा, थोड़ी देर के लिए वो एक्टिव नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें एक्टिविटी आ जाती है। जैसे देखिए, पत्ता देखा, उसकी तरफ यूँ मुंह चलाने की कोशिश की, और अगर यहाँ तो चलो सूखा इन्होंने रखा है, अगर मान लीजिए हरा या कुछ रुचिकर रखते हैं तो तुरंत पशु खाने भी लग जाता है। देखिए कितना आँखों में एकदम से चमक आ गई है। ये मात्र कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसमें सिर्फ कैल्शियम अगर चढ़ा दिया जाए तो एकदम से पशु एक्टिव हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इसको आगे अगर हम खिसकाएँ तो आगे खिसक जाए। ये देखिए जीभ घुमाना शुरू हो गई है, इसका मतलब एक्टिविटी इसके शरीर में आ गई है। ये देखिए बिल्कुल अब ये मुंह हिलाने लग गई है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी पूरी हो गई है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो ही पशु चिकित्सक कैल्शियम चढ़ा के जाते हैं और कैल्शियम की कमी वापस हो जाती है, ये भी होता है, जो कि रिकरेंट मिल्क फ्यूर में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पशुपालक भाई ध्यान दें कि जो ही पशु चिकित्सक कैल्शियम चढ़ा के जाते हैं उनसे आप पूछ लें कि फॉलोअप थेरेपी में कोई कैल्शियम की जेल देनी है क्या। मार्केट में कई प्रकार के कैल्शियम के जेल आते हैं, तो कोई सा भी जेल कैल्शियम आप ला करके और 300 ml की बोतल आती है उसे पिला सकते हैं। अगर पशु चिकित्सक बोलते हैं कि 6 घंटे बाद पिला दें, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट पता रहेगा कि कितनी कमी हुई है, तो 6 घंटे बाद पिला दें, यानी हर 6 घंटे से रिपीट की जा सकती है। अगर वो कहें तो सुबह शाम रिपीट की जा सकती है। ये देखिए हरा इसको दिखाया और खाने लग गई। अब बताइए, एक छोटा सा इलाज मात्र कैल्शियम से कितना चमत्कार हो जाता है। ये देखिए आप आराम से इसको एक्टिव देख पा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कैल्शियम जेल की, तो कैल्शियम के जेल ज़रूर पिलाएं। ये अगर वापस नहीं भी होता है ना, तो भी अगर कैल्शियम के जेल 3 दिन तक पिलाए जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कैल्शियम की कमी हो गई है, हमें पता है, तभी मिल्क फ्योर हुआ है, तो क्यों ना उस कमी को हम पूरा कर लें। और कम्प्लीटली अगर हम उस कमी को पूरा कर लेते हैं तो मिल्क फ्योर तो वापस नहीं होगा, इसके अलावा कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, यानी दूध किसी भी सूरत में कम नहीं होगा। नहीं तो मिल्क फीवर बीमारी में क्या होता है, पशु का दूध कम हो जाता है, और दूध कम होने से, यानी ताज़ा ब्याई हुई है और दूध कम हो गया, तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें पैदा हो जाती है। इसलिए कैल्शियम की बोतल चढ़वाना, कैल्शियम के जेल देना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा साथ साथ में कोई भी मल्टीविटामिन, देखिए मल्टीविटामिन अगर हम देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। और कैल्शियम के साथ साथ कई चीज़ें होती है, जैसे फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, इन सभी की पूर्ति कंटिन्यूसली अगर हम करते रहेंगे तो वापस दिक्कत नहीं होगी, वापस दूध पे आ जाएगी, यानी कि फाइनली हमारी जो भैंस गाय है वो एकदम से रेडी हो जाएगी।